जी गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग गबाला और ये है हमारा विला यहाँ पे। और अभी तो कोई स्नो के मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे, बट अल्लाह करे कि हो जाए हमारे सामने भी। और ये देखें, ये है हमारा विला, बहुत ही अच्छा और हैपनिंग सा लग रहा है मुझे। चल के देखते हैं अंदर से कैसा है। मौसम बहुत ठंड है अभी, 1 आवर बाद अभी हम लोग निकलेंगे। कोई अम्यूज़मेंट पार्क है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। सामने माउंटेन्स वगैरह है सारी, ये बैठने का थोड़ा एरिया बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। तो जी जनाब, ये है हमारा विला, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ सारा बाहर गार्डन एरिया है और उधर भी बना हुआ है सिटिंग एरिया। और ये देखिए इस तरह से है कुछ, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। राफिब एक मिनट, यहाँ से हम एंटर हुए, अभी हम अंदर आ गए हैं। और अंदर आने के बाद सबसे पहले ये है, इधर वार्डरोब है, इसके सामने तो मैंने अपने बैग्स रख दिए। और यहाँ पे भी एक टेबल रखी हुई है, सैनिटाइज़र लगा हुआ है। और लेफ़्ट साइड पे डाइनिंग एरिया है, ये देखें, वाव ना ज़बरदस्त है। यहाँ ईशू भी बैठी हुई है, और ये हीटिंग के लिए है। और ये देखें, यहाँ से भी आप बाहर देख सकते हैं, हो खुली नहीं रहा ये तो, खैर यहाँ से भी आप बाहर देख सकते हैं। ये सेटअप ही बड़ा प्यारा है, ये देखें ना खूबसूरत। फिर लाइट ऑन करें, ये देखें वहाँ पे डाइनिंग टेबल है, इधर टीवी है, सोफ़ास हैं, ये देखें ये पूरा इस तरीके से है। और इधर ये है एक छोटा सा किचन, सामने हमारा फ्रिज भी रखा हुआ है, और ये वाटर बॉटल्स और ये सब, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इधर से भी बाहर का व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे, इधर सामने ये आई थिंक कुछ मैकेनिकल रूम टाइप का है। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों पे ही बेडरूम से, ये राइट पे है और ये लेफ्ट पे है। इस बेडरूम में हम आ जाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, मिरर टेबल, सामने हीटर है और बहुत ही प्यारी सी विंडो, सामने वार्डरोब है और ये बेड है। ये किड्स रूम हो जाएगा, ये आपका सामान वगैरह रखने के लिए। इधर है वॉशरूम, वॉशरूम में ये वो शावर एरिया, और इधर ये अपना कमोड, देखिए ये हो गई हमारी वार्डरोब। इस रूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है। यहाँ से इधर आते ही यहाँ पर है बेडरूम, ये भी बेडरूम है, और इधर सामान रखने की जगह। ये आ गई हमारा वार्डरोब, और ये बेड है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा यूज़ किया हुआ है, सभी कुछ ज़्यादातर वाइट है। यहाँ पे स्टडी टेबल, मैंने अपना बैग रख दिया यहाँ पे, और जैकेट्स वगैरह, मिरर है, सामने ये कॉट है छोटी सी कि अगर कोई बेबी है, जैसे मिना है हमारे साथ, उन्होंने इसमें सोना तो हरगिज़ नहीं है, सोएंगी तो वहीं पर ही। राफे और मिना दोनों का ही यही है कि उनके लिए हम जितने भी कॉट्स ले लें, सोते वो हमारे ही साथ है। ये देखें जी, सामने से ये हमें उधर सिटिंग एरिया नज़र आ रहा है, बहुत ही क्या कहना चाहिए, रिलैक्सिंग और सूदिंग सा है ये सब ना, ग्रीनरी और कॉम्बिनेशन वाइट ग्रीन। अच्छा, वहाँ पे जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो है इनका होटल अपार्टमेंट, मतलब रूम्स हैं, मेन होटल है, उनके रूम्स हैं। अगर आपको जैसे उधर बुक करना है तो वहाँ पे सारे रूम्स हैं। और इस तरफ जहाँ हम आए हैं, यहाँ पे इनके सेपरेट विलाज हैं, कनेक्टेड हैं सारे, ये देखें। चले इसको बंद करते हैं, कैसा लग रहा है मुबीन आपको? सुपर, अमेजिंग, बहुत अच्छा ना आर्किटेक्चर है, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कलर्स का, बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने हर चीज को सेट किया है, कलर कॉम्बिनेशन, फ्लोरिंग का ले लें, फर्नीचर जो डाला है, जो गार्डन इन्होंने सराउंडिंग में दिया है, उसका अच्छा अरेंजमेंट, बारबेक्यू एरिया भी बाहर से भी उसमें दिखाई गई आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। हम लोग अभी आए हैं गबाला लैंड, और यहाँ पे ये अम्यूजमेंट पार्क है, और नज़ारे चेक करें आप यहाँ के, फुल टाइम ये इन्होंने माउंटेन्स के बीच में बनाया है। और अम्यूजमेंट पार्क है बच्चों का, अभी अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पहुँचे थे थोड़ी देर पहले,
और हम लोगों ने फिर प्रोग्राम बनाया कि आज इसको हम निपटा देते हैं, क्योंकि फिर कल हमें दो तीन जगह पे और जाना है। अंदर आ गए हम लोग और काफ़ी सारी राइड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ कुछ गेमिंग का एरिया है, तो यहाँ हम गए हैं बच्चों के साथ खेलने। बहुत ज़्यादा रश नहीं है, ये अच्छी बात है कि हम जल्दी जल्दी सारी राइड्स ईजिली निपटा लेंगे। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओहो, नहा आ रही है, सर्दी अच्छी ठीक ठाक है। एक और राइड की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ये देखें, ये प्लेन्स की है, ये बड़ा अच्छा है कि इतना रश नहीं है, तो बारी फौरन फौरन ही आ रही है। इट्स गुड, व्यूज देखें, व्यूज ये देखें। बस इसमें बैठ जाओ पहले बेटा, इसमें बैठ जाओ, क्योंकि आपने एक दफ़ा बाहर पे कर दिया है तो अंदर सारी राइड्स फ्री हैं। या अदर साइड बैठ जाओ। चले भाई, इसमें उन्होंने ईमान को नहीं बैठने दिया है कि ईमान की हाइट ज़्यादा है, कहना ये अनाया और राफे जितने बच्चों के लिए है ये राइड। चले, अच्छा है बच्चे कुछ इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वरना ज़ाहिर है ज़्यादातर वॉक हो रही है, चलना फिरना ज़्यादा हो रहा है। इस तरह की एक्टिविटी भी एक है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अच्छी बात ये है, रश नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, खाली है, बस हमें ओन कर लिया पूरा, तो हम ही घूमेंगे। आपने मेरे लिए बुक करा दिया ये पूरा, पूरा मैंने आज आपके लिए बच्चों के लिए डेडिकेट कर दिया। अश्लील अश्लील अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अब इसमें बच्चे बैठ गए आके, ईमान भी बैठी है इसमें, अब अनाया और राफे भी बैठे। हालांकि वो मिन्हा को ही बिठा रहे थे, बट वो अकेले कैसे बैठती हूँ, मुझे तो डर लगता है कि बस थोड़ी शरारती ज़्यादा है ना, इसलिए उनको हमने बैठने नहीं दिया, तो बस वो अभी देख के ही गुजारा कर रही है। देखें ये जिप लाइन है, इसमें ईमान और अनाया दोनों बैठी हैं, ये जिप लाइन है। वो ईमान जा रही है, और ये है अनाया, वो अनाया जा रही है। काफी अच्छी हाइट है ये। ये अनाया आ रही है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक राइड है, और इस पे सिर्फ उन्होंने ईमान को अलाउ किया है। आई थिंक ये 13 प्लस है, बट ईमान की माशाल्लाह हाइट अच्छी है, तो उन्होंने इसको इस पे बैठने दिया। देखिए कितनी खतरनाक है ये, उफ मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। ये देखो गाइस, ये कितनी ज़्यादा हाई जा रही है, और इसमें ईमान अनाया बैठ गई माशाल्लाह से। ये देखें काफ़ी हाइट है इसकी, ये देखें काफ़ी ज़्यादा हाइट है। ओ अभी ड्रॉप होगा ऊपर से, अरे अरे अरे, इधर राफे को नहीं इन्होंने बिठाया, डेफिनेटली डर जाता। यही कि बच्चियाँ बैठ गई। गाइज ये रेस्टोरेंट चेक करें आप लोग, यहाँ इस रेस्टोरेंट का नाम है फिश रेस्टोरेंट, और इन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है जिसमें देखें इन्होंने फिश भी डाली हुई है, और पूरा इसका नाम के साथ ही इन्होंने पूरा इसको डेकोरेट भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि फिशेस जो है वो लाइव इसमें घूम रही हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। देखें यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर ये लोग अपनी साइकिलिंग करेंगे, तो ऊपर की जो साइकिल्स हैं जो सबसे पहले रीच कर जाएँ वो विन कर गया। अभी तीनों लगे हुए, अब किसकी साइकिल पहले पहुंचती है देखना, ये कौन पहुंच गया पहले। हम लोग फ्री हो गए, और शाम हो गई है काफ़ी, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अब हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने, तो यहाँ रेस्टोरेंट बड़े इजीली हैं, पाकिस्तानी भी इजीली हैं, मलाबार रेस्टोरेंट है। चले हम लोग अंदर चलते, अच्छा बना हुआ है काफ़ी, बड़ा है काफ़ी, यहाँ से वहाँ तक है।
तो जी जनाब, यह है इंडियन रेस्टोरेंट, बट यहाँ पे हर तरह का कुजीन मौजूद है। आप जो भी चाहें, चाइनीज़, हर तरह का ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने भी मेन्यू चेक करके कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, और मिक्स हमने चीज़ें मंगवाई हैं। एक हमने अजरबैजानी, एक बारबेक्यू मंगवाया है, दाल मंगवाई है, कुछ फ्राइड राइस, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है हमने। अब देखते हैं टेस्ट में कैसा है। देखिए जी, खाना हमारा आ गया। ये फ्राइड राइस हैं, दाल है, बच्चों के लिए फ्राइज़ और पिज़्ज़ा मंगवाया है हमने। अभी कुछ बारबेक्यू का है वो रह गया, और ये नान भी हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी खा के ट्राई करते हैं कि कैसा है। मैं पिज़्ज़ा जी जनाब, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और बहुत ही एवरेज था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक्सपेंसिव ज़रूर था बट अच्छा नहीं था। उससे अच्छा खाना कल का था, जो हमने निज़ामी स्ट्रीट पे खाया था, वो ज़्यादा टेस्टी था, मज़े का था। और ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, हमारी गाड़ी में लगी हुई हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो चलिए जी, अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। देखते हैं कल हमारे लिए क्या एक्टिविटीज़ प्लान है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।